जैसे कुछ बच्चे ना बहुत ज्यादा पूछते हैं लुक स्मैक्सिंग के बारे में, कहते हैं कि यार हम अपनी लुक स्मैक्स किस तरह करें। तो सबसे पहली चीज जो है ना लुक स्मैक्सिंग में वो होती हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है। दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग बॉयज एंड गर्ल्स। आज का व्लॉग है थोड़ा सा कूल काम एंड कलेक्टेड, मीनिंग के आज के व्लॉग में हम जरा फोकस करेंगे हेल्थ और फिटनेस पे। जिस तरह रमजान खत्म हुआ है, स्लोली स्लोली जिम की रूटीन में वापस आ रहे हैं। मेरी बॉडी जो रमजान में बन गई थी ना रमजान तक, वो मतलब मैक्स लेवल की मजे की बनी हुई थी, लेकिन अब सीन ये है कि अब जरा थोड़ा सा ना सीन ढीला पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा आज आपको साथ जिम में लेके जाता हूँ। आज है हमारा आर्म डे और आज है हमारा बैक डे। तो खैर अभी हम अपना पी रहे हैं फेवरेट ये पर्पल एनर्जी ड्रिंक है माइनो का। और यार एनर्जी ड्रिंक्स वैसे इतने पीने नहीं चाहिए, लेकिन अब थोड़ी आदत सी होगी, क्या करे बंदा। लेकिन ये वाला अच्छा है, ये पाकिस्तान में तो नहीं मिलता होगा, इंडिया में आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे भी बड़ा रेयर है वाला, ठीक है। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का है, 100 ग्राम्स ऑफ कैफीन है सिर्फ इसके अंदर। इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आर गुड फॉर योर रिकवरी, आपके जो डिहाइड्रेशन उसको कम करते हैं। अब सीन ये है, इस एनर्जी ड्रिंक से पहले मैं लेता हूँ क्रिएटिन जिम जाने से पहले, क्रिएटिन में लेता हूँ। ये भी मेरा खत्म होने वाला है वैसे सप्लीमेंट, बिल्कुल आखिरी पैक रह गए, ये भी मैंने मंगवाना है। तो क्रिएटिन ले लेता हूँ, साथ ही एनर्जी ड्रिंक ले लेता हूँ, एंड दैट्स इट, एंड दोज आर माय सप्लीमेंट्स। बाय द वे आप लोगों ने नोटिस किया कि मैंने माइक लगाया हुआ है, इसका जो मैग्नेटिक माइक है ना, अभी जो माइक है ना ये सिर्फ मैं तब लगा सकता हूँ जब मैं अकेला इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ या मैं कोई आपसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, वरना जब एनवायरनमेंट में होते ना तो माइक ऑब्वियसली हमने दूसरी बात भी तो कैच करनी है ना। जैसे कुछ बच्चे ना बहुत ज्यादा पूछते हैं लुक स्मैक्सिंग के बारे में, कहते हैं कि यार हम अपनी लुक स्मैक्स किस तरह करें, किस तरह मतलब हम भी प्यारे हो जाएं और ये वो फलाना। तो लुक स्मैक्सिंग पे बात करते हैं, पहले मैं अपनी लुक जरा मैक्स कर लूं। पहली बात तो एक बंदा मुझे कह रहा था कि यार आपका जो हेयर स्टाइल है ना वो मुझे बड़ा पसंद है, तो मैं थोड़ा कॉपी करना चाहता हूँ, हर एंगल से दिखा दें। तो ये देख लो भाई, ये इधर से, ये देख लो इधर से, और ये पीछे से। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार आपका हेयर स्टाइल नहीं, आप बाल कटवा लो, छोटे बालों में अच्छे लगते हो। तो देखो मैं अभी यही तुम्हें बात सेगवे करने लगा, ये लुक्स मैक्सिंग के मामले में ना, ये लुक्स मैक्सिंग का मामला है ना, ये इट्स वेरी अप टू योर चॉइस। कुछ फीचर्स होते हैं जो जनरली लोगों को पसंद होते हैं, अच्छे बाल, फेयर स्किन हो गई, प्यारी आंखें हो गई, ये वो फलाना, वो तो एक अलग बात है। लेकिन कुछ लुक्स मैक्सिंग होती है जो थोड़ी सी सब्जेक्टिव होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कपड़े अपना एक स्टाइल बनाना सर्टन, जो लोगों को शायद अजीब लगे लेकिन आपको बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहली चीज जो है ना लुक्स मैक्सिंग में वो थी कॉन्फिडेंस। जो कॉन्फिडेंस है ना आपको वो अपना इंक्रीज करना पड़ेगा पहले तो, फर्स्ट फॉर फॉरमोस्ट जो भी अपना स्टाइल है यू हैव टू रॉक इट। इतना भी अब्सर्ड स्टाइल नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही अजीब और बुरा सा लगे। तो देयर इज अ फाइन लाइन। फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं थोड़ी सी क्लोथिंग जो है ना ऑन द टाइटर एंड पहनता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग अजीब एतराज करते हैं इस बात पे, कहते हैं कि यार आप लूज क्लोथ पहनो, आप ज्यादा फिट लगोगे, आपने स्किनी जीन्स क्यों पहनी है। स्किनी जीन्स भी मेरी वो एक ही है ब्लैक वाली, उसके अलावा मैं दूसरी स्किनी जीन्स ही पहनता। इट्स my own style, it's my own thing, you know, I like to wear a lit clothes on the little bit of tighter end. wo itne tight nahi hote ki banda gay lage, lekin itne tight hote ki jo mere jo maine muscles banaye hue, jo maine body pe work kiya hua, wo thodi expose hoti to acha lagta hai banda. slim fit jeans pehante ho na, to let's say if you have a shorter height, to jo choti height wale log hote hai na wo thode se lambe lagte hain. agar aap bahut baggy pehen loge to aap kode lagoge. shirts mein aa jate hain, ab log kehte hain formal wear bahut pasand karte ho, formal wear, yeah that's my own style. jo formal dressing hoti hai aur jo casual dressing hoti hai usko मिक्स करके पहनता हूँ, विच गेट्स मी अटेंशन वेर एवर आई गो, इट डज, यू नो, एंड इट वर्क फॉर मी। लेकिन वही बात आ जाती है, अब हर किसी को खुश नहीं रख सकते। तो बेसिक आपको लुक्स मैक्स के मैं तरीके बता देता हूँ। पहली बात तो यार यू हैव टू स्टार्ट विद योर बॉडी। वैसे रेगुलर आप एक्सरसाइज नहीं करें ना, आपकी बॉडी नहीं अच्छी बनी हुई, तो आप नो मैटर कोई भी क्लोथ्स पहन लो, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे यू वुड ऑलवेज लुक बेटर इफ योर बॉडी इज इन शेप। आप जितने मर्जी मोटे हो जाओ, जब आप पतले होके पहनते हो ना कपड़े, उसकी लुक ही एक अलग आती है। तो पहले तो अपने आपको अपने फिटनेस में लाना होगा हल्का सा। उसके बाद आ जाते हैं आपकी स्किन पे और आपके ये मतलब बाल वाल और दाढ़ी आपने किस तरह बनाई हुई है, ये सारी चीजें, राइट। उसमें आपको थोड़ी सी अपनी दाढ़ी वगैरह अच्छी रखनी पड़ेगी, ट्रिम रखनी पड़ेगी। दाढ़ी अगर नहीं आती, वो पेंसिल वाली मूछें आती, तो क्लीन शेव करके रखो, ठीक है। यार देखो बालों को तो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं जो जेन्युइन बात बता रहा हूँ, क्योंकि बाल मेरे कभी इतने बने हुए नहीं होते, आई विल जस्ट लेट देम रन वाइल्ड। लेकिन बालों को ऑयलिंग करना जरूरी है, नहाने के बाद हल्का सा ना ड्रॉप्स कुछ लेके सर पे कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल जो भी है ना वो लगाया करो, एंड देन इफ यू वांट टू ब्लो ड्राई यू कैन ब्लो ड्राई, उससे कुछ स्टाइलिंग वाइलिंग करके। ऐसे ब्लो ड्राई में मना करता हूँ, नहीं करना चाहिए। अपने बालों में हर हफ्ते में तुमने दो दफा रोजमेरी ऑयल लगाना और कैस्टर ऑयल लगाना, तुम्हारे बालों की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, उनको हेल्थ देगा, उनको वॉल
वॉल्यूम देगा। ये हेड एंड शोल्डर्स और एक गंदे केमिकल वाले शैम्पू लगाना छोड़ दो। अगर कोई हाई एंड क्वालिटी वाला शैम्पू आपको उधर नहीं मिल रहा, सो देन आई वुड से कि यूज बेबी शैम्पू और डोंट यूज एनी शैम्पू एट ऑल। बस कभी कभी कंडीशनर लगा लिया करो कोई अच्छी क्वालिटी वाला ना ब्रांड वाला। स्किन केयर आई वॉज नॉट द बिगेस्ट कॉनसोर ऑफ स्किन केयर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, लेकिन रिसेंटली मैंने थोड़ा सा करना शुरू किया है एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव सीन सम रिजल्ट्स। कभी कभी हफ्ते के अंदर एक दो दफा रेटिनॉल लगा लेता हूँ चेहरे पे रात को सोने से पहले, या मुंह को डैम्प करके ना रात को सोने से पहले वैजलीन या कोई क्रीम मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा ली ठीक है, या कोई सेरावी या इस तरह की कोई चीज, लेकिन मुंह को डैम्प करके रात को सोने से पहले लगाना है। सुबह उठोगे ना यू विल सी अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंस। कपड़ों पे आ जाते हैं, कपड़े तो खैर अब एक बहुत ही लंबी डिटेल है। आपको आज मैं वार्डरोब का थोड़ा सा अपना टूर करा देता हूँ। बहुत से लोग ना कह रहे थे कि वार्डरोब अपना दिखाओ कि आप कपड़े किस तरह के पहनते हो। अब लड़कियां भी मुझे देखती हैं तो वो लड़कियां कहेंगी भाई हम तो लड़कियां हैं, हम तुम्हारे लिए कपड़े, मैं लड़कियों के लिए भी बात करूं, लड़कियां भी लुक्स मैक्स कर सकती हैं। लड़कियां तो खैर एक्सपर्ट होती हैं लुक्स मैक्सिंग में यार। आजकल मैं देख रहा हूं कि जो जो लड़की ये पाकिस्तानी सिनेमा में मशहूर हो रही है, आदि की बचपन की पिक्चरें देखो, सॉरी टू से दे वर वेरी कोजी। क्योंकि जब तुम बचपन की पिक्चरें निकालोगे ना तो अजीब ही गूफी कोई लग रही होगी, हम्प्टी डम्प्टी लग रही होगी, कोई अजीब ऑगी एंड द कॉकरोच लग रही होगी। कभी देखना जरा गौर से। और लड़कों में भी कुछ होता है, लड़के भी बड़े कोजे कोजे अजीब से होते हैं, अजीब फिर एकदम से लुक्स मैक्स कर लेते हैं। सो इट इज रियल। लेकिन नंबर वन चीज है कि अपने आपको अपने बॉडी में शेप में रखना है, अपनी हेयर कट और अपना हेयर स्टाइल, अपनी स्किन केयर अच्छी रखो, बाकी सारी चीजें लाइन पे आ जाएंगी। कपड़े वाली जो चीज होती है ना वो बंदा ट्रायल एंड एरर से समझता है कि व्हाट लुक्स द बेस्ट ऑन यू। बाय द वे बहुत रॉ व्लॉग बना रहा हूं मैं, क्योंकि आप लोग चाह रहे थे कि मैं थोड़ा सा इस चीज में भी वापस आऊं। होपफुली यू आर एंजॉयिंग इट, एंड इफ यू आर देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। इंस्टाग्राम पे भी रील्स आ रही है अलग अलग तरीके की, और टिकटॉक पे भी मैं कॉन्टेंट और माल लगा रहा हूँ। एनीवेज वी आर ऑलमोस्ट एट द जिम, सो आई विल सी यू गाइस देयर। सीन ये कि हम स्टार्ट करेंगे बाइसेप कर्ल्स है उससे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 70 pound वाला मैं पकड़ रहा हूँ ठीक है, स्लोली ऊपर लेके जाना, स्लोली लाना नीचे, साथ में लॉक करके अपने बाजुओं को ऐसे लॉक करके फील होना चाहिए बाइसेप्स के अंदर ना आपको, फिर ही पता चलेगा सही। ऊपर लाके बाइसेप्स को स्क्वीज करना है, कि स्क्वीज करोगे ना तभी वो जो गोलाई है ना बाइसेप्स के अंदर वो आएगी। हल्का सा हैवी भी जाना है जाओ, लेकिन फॉर्म सही होनी चाहिए आपकी, तेज करने की जरूरत है ही नहीं है। जितनी अंदर टेंशन में रखोगे ना उसे उतना अच्छा है। इसके लगाना है हमने 3 to 4 sets रेप्स टिल फेलियर करने ठीक है, जिसका मैंने किया। उसके बाद हम जल्दी से लगाएंगे एक ट्राइसेप की ठीक है, इसके साथ साथ ही ट्राइसेप पुश डाउन है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके ना ये वाला कट डेवलप करने के लिए, यहाँ से पकड़ के, और लंबी वाली रोप जितनी होगी ना उतना अच्छा है। ये नीचे मारनी है बेंड करके, कमर इस तरह का एंगल होना चाहिए, कमर का ना बेंड होनी चाहिए, एंड देन जस्ट पुश डाउन इस तरह करके पूरा नीचे खींचना, और ये लेकिन बाजू साथ जुड़े हैं, एंड डू दिस टिल फेलियर 3 to 4 sets। और ये दोनों ना साथ साथ एक्सरसाइजेस करो ना तो आर्म्स में बहुत फर्क पड़ेगा, यू विल हैव बिगर आर्म्स इन नो टाइम। और एक्सरसाइज बॉयज एंड गर्ल्स बहुत अच्छी है, ये है अपर बाइसेप्स के लिए ठीक है, इसको कहते हैं MTS बाइसेप कर्ल्स। तो यहाँ से पकड़ के ये खींचना है पीछे की तरफ, एंड तक लाना चाहिए ठीक है, जितना लंबा खींच सको उतना खींचो और फिर एंड तक लाओ, क्योंकि ना फिर बाइसेप्स में सही ब्लड आपके ना पंप होगा। बाय द वे आपको ज़्यादा स्पेसिफिक्स चाहिए ना कौन सी एक्सरसाइज किधर करनी है, तो मैंने पूरी एक वीडियो बनाई थी कि जो वी टेपर वाली बॉडी है ना, वी शेप वाली बॉडी है ना, ये किस तरह मिलेगी टोजी वाली, तो ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिंक लगाया ऊपर, मैंने उसमें स्पेसिफिकली सारी एक्सरसाइजेस बताई हैं। अब इसके बाद मैं बैक वाली करूँगा, बैक वाली की 2-3 games लगा के फारिग हो जाएंगे। ट्राइसेप्स की आपको इतनी ज़्यादा करने की जरूरत भी नहीं होती, 1 to 2 एक्सरसाइजेस बहुत होती हैं। मैंने कैमरा अपना बड़ा डेंजरसली रखा हुआ है, पुल डाउन पुल अप्स भी कर सकते हो, मशीन पे भी कर सकते हो, मैं मशीन पे पसंद करता हूँ क्योंकि मशीन पे बस आई डोंट नो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। वैसे मैं पुल अप्स भी चाहूँ तो पुल अप्स भी कर सकता हूँ, नो बिग डील। चिन के नीचे तक लाना, मैं बंद कर रहा हूँ कैमरा से पहले नीचे गिर जाए, आपको ना फिर घर जाके मिलते हैं। Later. तो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ये कि हम घर पे वापस आ गए हैं और इस वक्त फिजा ने हमारे लिए कुछ खाना रेडी किया है। क्लीन ईटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। होल व्हीट ब्रेड है ठीक है, इसके अंदर हम सैंडविच, फिजा का बहुत दिल था क्लब सैंडविच बनाने का लास्ट व्लॉग में, उन्हें देखा होगा। आपने बेसिकली रहना है कैलोरी डेफिसिट के अंदर, अगर नहीं करोगे तो बॉडी फैट नहीं लूज होगा, क्योंकि अगर आपको अच्छी लुक्स चाहिए देन यू हैव टू लूज बॉडी फैट। और बॉडी फैट ये नहीं होगा कि इधर से कम हो जाएगा, इधर से कम हो जाएगा, या मैं मुंह से कम कर लूं। इस तरह स्पॉट रिडक्शन करनी है उसे सर्जरियों से ही हो सकती है, और हम सर्जरी वाले राउट की बात नहीं कर रहे। बॉडी फैट कम करना है ना तो कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा, इट्स ऑल अ प्रोसेस एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। अंडा भी साथ पका रही है फिजा इस वक्त, और हमारे पास चिकन था ऑलरेडी बना पड़ा हुआ,
मतलब फिजा ने बनाया मेरे लिए तो सब कुछ ऑलरेडी बना बनाया है। देखो मेरे पास माँ नहीं है, तुम लोगों के पास माँ है, बीवी आपके पास, मेरे पास बीवी है। मैं कहने का मतलब है जिनके पास बीवी नहीं उनके पास माँ है, और जिनके पास दोनों नहीं है खैर यू नो अल्लाह और दे आपको कुछ भी। चिकन टेस्ट टेस्ट कर लेते हैं, देखेगा तुमने वो डाला टिक्का मसाला। हाँ टिक्का मसाले वाला सैंडविच बॉयज एंड गर्ल्स, थोड़ी सी क्रीम भी है यहाँ पे हमारे लग रहा है सैंडविचेस पे ही। कौन सी क्रीम तुमने बनाई है? मैंने बनाया है मेयो केचप मस्टर्ड क्रीम साथ। अब हम ये लेटेस डाल देंगे राइट, पिकल्स डाल लेंगे, खीरे डाल लेंगे, ऐसे पिकल्स पड़े वो मजे के लगे। इसके साथ ये पिकल्स ना उसमें बड़ा सा एक मजे का वो टार्टीनेस ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, दो दो अंडे ऊपर चढ़ गए, इसके ऊपर वो जाएगा चिकन जाएगा, फिर इसके ऊपर एक और सॉस डलेगी, ये चीज आ गई इसके ऊपर, थोड़ा सा हम इस पे चिकन डाल देंगे ठीक है। उसके बाद फाइनल बॉयज एंड गर्ल्स हमारा अल्टीमेट क्लब सैंडविच, 600 कैलोरी से ज्यादा का नहीं हो सकता। ओए होए होए होए, सो मच डिटेल्स। मैं अपना सबसे मुश्किल काम करता हूँ बॉयज एंड गर्ल्स, जो आपको पता ही है। ओए होए होए होए, साथ हमारे पास थोड़े से फ्राइज भी हैं। अब देखो जरूरी नहीं होता जब आप बॉडी बना रहे हो तो आपने सारी चीजें ऐसी खानी है कि जो बहुत ही हेल्दी और ये वो फलाना हो, थोड़ा सा अनहेल्दी काम भी कभी कभी चलता है, बट लिमिट में रहेगी। अपने ना मुंह को उसको लगाम देना है बेसिकली ठीक है। मुंह में पानी आ रहा होगा शायद आपके। वो तो मैकडॉनल्ड्स वाले हैं फ्राइज बिल्कुल ही। सैंडविच का टेस्ट टेस्ट करेंगे। हर चीज का ना डिस्टिंक्टिव टेस्ट आ रहा है, पिकल का, चिकन का, टोमेटो का, लेटस का, ब्रेड का, और जिंदाबाद मुझे तो मजा ही आ गया, बहुत ही मजा गया। ओए होए होए होए, मैं इसको फाड़ता हूँ, इसके बाद फिर आपसे सीधा वार्डरोब में मिलते हैं। सिंगल्स एक इश्यू हो गया बहुत बड़ा, मैंने ना सारी वार्डरोब वाली वीडियो रिकॉर्ड की थी, ये आपको मैं दिखा भी सकता हूँ फाइल जो मैंने रिकॉर्ड की थी, कुछ 4 GB की 15 मिनट की वीडियो, लेकिन हुआ ये कि वो करप्ट हो गई फाइल फॉर सम रीजन। तो मैं जो वार्डरोब का रिव्यू है ना सारा, और अपने जूतों का भी रिव्यू कर दूंगा, वार्डरोब का भी, जैकेट्स का भी कर दूंगा अगले ब्लॉग में, उससे अगले ब्लॉग में कर दूंगा, आप लोग टेंशन ना लो। दूसरा जो चीजें हैं जो मैं यूज करता हूँ प्रोडक्ट्स मुंह के लिए बालों के लिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ चीजें, ताकि आपका दिल भर जाए, आप लोग रोने ना लग जाओ अपने तकिए में मुंह रख के। जो मैं बालों में लगाता हूँ ना आपको मैं दिखा देता हूँ, ये कैस्टर ऑयल है जैसे आप लोग देख सकते हो ठीक है, ये बालों में लगाता हूँ मैं, ज्यादा नहीं लगाना होता, हल्का हल्का ड्रॉप्स जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके बाल कम हो रहे हैं। दूसरा मैं लगाऊंगा रोजमेरी ऑयल है, ये रोजमेरी ऑयल है तो कहीं से भी मिल जाएगा, पाकिस्तान में भी मिल जाता है, इंडिया में जहाँ पे भी हो गया। दूसरा एक और आपको चीज दिखाता हूँ चेहरे पे लगाता हूँ, फिजस को कोई नाम है इसका, स्नेल म्यूसिन ये जो है यार, ये ब्रांड मैं लगाता हूँ आजकल अपने चेहरे पे ठीक है, एडवांस नेल 96 ये आप देख सकते हो ब्रांड, पहले ये लगाता हूँ मैं इसका ठीक है, उसके बाद ये इसको दूसरी चीज को क्या कहते हैं, अच्छा तो एक सीरम है पहला वाला ठीक है, और ये है मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, ये मैं रोज रात को नहीं लेकिन एक रात को छोड़ के कभी ना कभी लगा लेता हूँ। समटाइम्स आई विल पुट रेटिनॉल, हफ्ते में एक से दो दफा मैं रेटिनॉल लगाता हूँ, अपने चेहरे पे ज्यादा नहीं लगाना होता, रात को ही लगाना होता। फिर ये जो मैं बात कर रहा था कोकोनट ऑयल की नहाने के बाद ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, तो नहाने के फौरन बाद ना इसका हल्का सा पिंच लेना हाथों में और लगाना, ज्यादा लगाओगे ना बहुत ऑयली हो जाएंगे बाल। फिर मैं ब्लो ड्राई करता हूँ कभी कभी, आई जस्ट लेट देम ड्राई और हाथों से मतलब हेयर स्टाइल बना लेता हूँ। से शैम्पू भी पड़ा है, कंडीशनर है, और लेकिन ये महंगा ब्रांड है ओलेप्लेक्स, पाकिस्तान में इसका कोई है इक्विवेलेंट फिजा? शैम्पू आपने यूज करना है ना तो एनी सल्फेट फ्री शैम्पू या कंडीशनर ठीक है वो आप लोग लगाओ। ये जो गंदे बंदे शैम्पू है ना हेड एंड शोल्डर्स वगैरह, ये टेम्पररी आपके बाल को अच्छा करता है लेकिन बहुत गिरेंगे, उससे आपके बाल और डैंड्रफ भी होगी, खुजली भी खूब होगी ठीक है। अगर आप लोगों को मसला हो रहा है बेबी अपने बालों में तो शैम्पू ना यूज किया करो, कंडीशनर कभी कभी कर लिया करो या बेबी शैम्पू यूज करो। वन मोर प्रो टिप जो मैंने रिसेंटली अप्लाई करना शुरू किया, क्योंकि पाकिस्तान में और इंडिया में दूसरे ममालिक में इवन अमेरिका के अंदर धूप बहुत ज्यादा होती है, तो आपने क्या करना कि सनस्क्रीन अब से लगाना शुरू कर देना, अच्छा कोई ब्रांड वाला सनस्क्रीन ले लो, वो जरूर मुंह पे लगाओ, सनस्क्रीन से ना झुर्रियां वुरियां आपकी कम होंगी, और ये बाकी इन चीजों से फर्क पड़ता है। पहले मैं कहता था वो थोड़ी गर्लिश है ये वो फलाना है, भाई सारे एक्टर करते हैं और इतने इतने जवान लग रहे होते हैं, हाँ ये भी है वो बच्चों का खून भी पीते हैं, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है ठीक है, उस पर हम कभी बात करेंगे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, लेकिन फिलहाल अब हेयर के लिए बहुत से एक्टरों ने ट्रांसप्लांट वगैरह भी कराए हैं, वो तो एक अलग बात है, ट्रांसप्लांट भी करा सकते हो आप जाके टर्की टुर्की में, लेकिन अभी बाल है तो उनको बचा लो भाई, ये रोजमेरी कैस्टर ये चीजें काम करती हैं। और अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो आप मिनोक्सिडिल भी लगा सकते हो, मिनोक्सिडिल लगाना शुरू करो, उसका रिजल्ट 3 महीने तक आता है, लेकिन जो जो आपके बॉल्ड स्पॉट्स ना वहां पे रोज सुबह लगाना और रात को लगाना सोने से पहले ठीक है। बाय द वे बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग काफी देर से मुझे कह रहे थे कि मूसा भाई अपनी ऐनक अपडेट
अपडेट कर लो, ऐनक अपडेट कर लो। तो मैंने 3 ऐनक मंगवाई है, ठीक है। एक तो ये ऐनक मैंने मंगवाई है, एक मैंने ये वाली फ्रेम मंगवाया, ठीक है, और एक मैंने ये सेक्सी सा फ्रेम मंगवाया। मैं कहता हूँ भाई ने हिला के रख देना सारा काम, क्योंकि ये जो ग्लासेस है ना बहुत बुरी लगने लगी है। आज मैं लुक्स मैक्से की बात कर रहा था कि मैंने वीडियो में देखे टेढ़ी हो गई है, उन पर खूब स्क्रैचेस पड़े हुए, जैसे आप देख सकते हो। आपको भी साथ दिखाऊंगा कि कौन सी फ्रेम अच्छा है कौन सा नहीं है, ताकि कुछ लोग कहते हैं कि यार मूसा भाई जो आप फ्रेम लेते हो हमने भी वोला पहनना है, तो यू नो मैं आपको फिर सजेस्ट कर दूंगा। वैसे ये बहुत महंगे फ्रेम मैंने यहाँ से बनवाए हैं, लेकिन पाकिस्तान से ऐसे आपको मिल जाएंगे। आई विल शो यू लेटर ऑन। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना, और इंस्टाग्राम पे आई विल मेक गेट रेडी विद मी वीडियोज भी बनाऊंगा इंशाल्लाह, और डेट आइडिया डेट पे क्या करना है एक्ट करना है सारी इंस्टाग्राम रील्स पे आहिस्ता आहिस्ता आएंगी इन्फॉर्मेशन वाली, और टिकटॉक पे भी आएंगी। तो दोनों पे मुझे फॉलो करो, टिकटॉक और इंस्टाग्राम दोनों पे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह।